गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग टू आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर. टुडे आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी एज ए रिसोर्स पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ भागवत विद्यापीठ छपरा. माई टॉपिक फॉर बीइंग ए ट्रेनिंग इज आवर टीचिंग लर्निंग मटेरियल. आई थिंक दैट टीचर इज द बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल. अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन टीचर इज द फर्स्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल. वेन एवर द टीचर इंटर्ड इन दियर क्लासरूम हाउ ही एंड सी रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स व्हाट आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट दैट इज द मेन थिंग और वी कैन से दैट That is the best teaching learning material. Now, I am coming on the topic teaching learning material. Teaching learning material also said to be teaching aids, or we can say that instructional aid. We can define teaching learning material in this way. Teaching learning material is the device which are used by the teachers for their learners to learn their concept with ease and efficiency, or we can say that in delightful manner. Now I am coming on the different contents which are associated to my topic teaching learning material. First is that about teaching learning material. Second, type of teaching learning material. Third, why we need teaching learning material. Fourth, importance of teaching learning material. Fifth, characteristics of teaching learning material. Six, management of teaching learning material, and the last one is our creativity about teaching learning material. Now I am coming on the first topic is our about teaching learning material. Teaching learning material is the device which are used by the teacher to make their class entertaining, or we can say that joyful. It means टीचर अपने ओरल टीचिंग के में मदद करने के लिए कुछ मटेरियल और आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में स्टूडेंट के लिए.
वास्तव में दिलचस्प और बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाने, बहुत महत्वपूर्ण हम लोग बना सकते हैं। सही बात यह है कि अगर हम सब देखेंगे कि क्लास में कौन सी चीज़ को पढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुन करके, सॉरी देख करके, विजुअल एड्स के द्वारा 65% स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग हासिल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट अबाउट 65% गॉट देयर लर्निंग बाय विजुअल। इट मींस उनको अगर हम लोग कुछ दिखा दें, बोर्ड पर कुछ डायग्राम बनाकर दिखा दें, या कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ले आकर के दिखा दें, तो उससे वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा समझते हैं। और 65% पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट बाय विजुअल एंड 30% ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन इज आवर हियरिंग, यू कैन से दैट ऑडियो 65 and 30, 95%, एंड रिमेनिंग 5% स्टूडेंट इज लर्न बाय काइनेस्थेटिक वे। इट मींस जब तक उनको कोई हम लोग एक्टिविटी वगैरह नहीं उनके सामने शो करेंगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तब तक उनमें लर्निंग एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती। नाउ वी आर कमिंग ऑन टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज क्लासिफाइड इनटू नेक्स्ट इज आवर यूटिलाइजेशन एंड इनॉर्मस असॉर्टमेंट ऑफ मटेरियल आर फाउंड टू इम्प्रूव सीरियसली इन दियर क्लासरूम टीचिंग। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम टीचिंग को बेहतर समय में, क्लासरूम टीचिंग में विचारों को बेहतर समझ में सुधार और सीखने की गंभीरता से आकर्षक बनाने के लिए भी हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। अगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों का जो सीखने की जो क्षमता होती है, लर्निंग जो एबिलिटी होती है, उसका अच्छे तरह से विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपने कक्षा को, क्लास को रोचक बना सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शॉर्ट में हम लोग TLM कहते हैं। इसे टीचिंग एड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इंस्ट्रक्शनल एड्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इट इज ऑलरेडी सेड बाय मी बिफोर इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इन दिस टॉपिक हियर आर द टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एड्स टू फैसिलेट द लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स और किड्स।
बच्चों के लिए सीखने की सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एग्जाम्पल दिया गया है। एक्सक्यूज मी सर, अभी हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ऑडियो विजुअल एवी कैटेगरी दिया हुआ है। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन हाउ रेडियो इज यूजफुल फॉर टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यस, रेडियो इन द प्रीवियस टाइम जनरली गवर्नमेंट स्कूल एंड अदर CBSE बेस्ड स्कूल रेडियो वॉज यूज बाय द टीचर फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक ऑल्सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल इन लोअर क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को एनिमल्स के आवाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ ही साथ टेप रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट एनिमल के आवाज को, साउंड को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाउअडेज देयर इज नो सिग्निफिकेंस, और वी कैन से दैट देयर इज अ पोजीशन ऑफ रेडियो नाउअडेज इट हैज वी हैव ऑल द मोस्ट ऑफ द CBSE बेस्ड स्कूल एज एसोसिएटेड विद स्मार्ट क्लासेस। सो नाउ देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ स्मार्ट क्लासेस बिकॉज इन दैट सिचुएशन द स्टूडेंट्स कैन लर्न देयर एवरी पोर्शन, देयर एवरी टॉपिक इफ दे हैव एनी कंफ्यूजन, यू दे कैन रिमूव दियर कंफ्यूजन बाय द स्मार्ट क्लासेस बिकॉज इन दैट स्मार्ट क्लासेस आवर विजुअल एंड ऑडियो बोथ आर अवेलेबल। अनदर टाइप इज आवर विजुअल, आई हैव सेड दैट इन विजुअल 65% पॉपुलेशन ऑफ ए स्टूडेंट, 30 ऑडियो, 65 एंड 30 95 एंड 5% जो होता है वो आपका काइनेस्थेटिक में आता है, जिसमें कि उसमें बच्चे को हम लोग एक्टिविटी वगैरह कराते हैं उसके मदद से वो सीखते हैं। तो या सेकेंड इज आवर विजुअल, विजुअल में हमारा है आपका ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बोर्ड, ग्लोब, मॉडल, चार्ट। तो ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड इज द मोस्ट कॉमन और वी कैन से दैट वेरी प्रीवियस टाइम ब्लैक बोर्ड इज यूज एज ए विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बट नाउअडेज आवर व्हाइट बोर्ड हैज टेकन देयर पोजिशन। बहुत सारे स्कूलों से अब जो है धीरे धीरे ये ब्लैक बोर्ड को हटाया जा रहा है, अब जो है व्हाइट बोर्ड को लाया जा रहा है ना, और स्मार्ट क्लासेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर ब्लैक बोर्ड है तो स्कूल में वो ब्लैक बोर्ड जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, रेगुलर उस पर जो है ब्लैक पेंटिंग जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो आवर विजुअल एड, किताब जो है वो भी हमारे विजुअल एड में आता है। एंड नेक्स्ट इज आवर ग्लोब, ग्लोब जो है जैसे सोशल साइंस के टीचर हैं, अगर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, सपोज दैट द टुडे टीचर इज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द अर्थ, तो इफ टीचर वांट्स टू मेक देयर क्लास मोर इफेक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, द टीचर शुड गो विथ देयर क्लास विथ ग्लोब बिकॉज वी कैन से दैट द ग्लोब इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ। सपोज दैट द टीचर इज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट अबाउट द अर्थ, अबाउट द इक्वेटर,
रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ. तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्लोब टीचर कैन नॉट जस्टिफाई, कैन नॉट एक्सप्लेन क्लियरली टू द स्टूडेंट अबाउट द इक्वेटर रोटेशन, और वी कैन से दैट लैटिट्यूड, है ना. अगर ज्योग्राफी के टीचर है, अगर क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए आज मान लीजिए उनका टॉपिक है कि हमको अर्थ के बारे में पढ़ाना है, तो अगर शिक्षक जो है ग्लोब को लेकर क्लास में जाएंगे, अगर इसी तरह गए और बोर्ड पर बताने लगे कि ये तो कोई इक्वेटर है, ये हो गया लैटिट्यूड, ये है अर्थ का रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इस तरह से होता है, तो बच्चे उसको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना. उसमें उनको ज़्यादा हो सकता है कि पीछे से कोई बच्चा हल्ला भी करे. लेकिन वही टीचर अगर क्लास में ग्लोब लेकर के जाते हैं तो बच्चे में एक नया क्यूरियोसिटी होगी, उनमें नया एक डिजायर होगा, उत्साह होगा, जिसमें कि उन्हें कहेंगे लगता है सर बहुत कुछ बताएंगे, अच्छे ढंग से बताएंगे. इसमें आप उसको अच्छे ढंग से बता सकते हैं ग्लोब के मदद से बच्चे को कि ये देखिए यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर जो है ऐसे अर्थ का रोटेशन होता है, ये लैटिट्यूड है ना. तो इस तरह से ग्लोब के मदद से हम लोग जो है ये करते हैं. मॉडल हो गया, मॉडल में जैसे साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल को ले जा करके क्लास में बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं. चार्ट है और पोस्टर है. तो चार्ट और पोस्टर जैसे है कि लोअर क्लासेस, हाँ बोलिए. इज इट नॉट पॉसिबल टू मेक द स्टूडेंट्स the knowledge of an earth without glow? Can we are not going to use a blackboard or whiteboard with some different types of figures that yes, this is our earth and we have to move from here to there, like that way? Once again, saying the question. Is it not possible to understand the students about the earth without the help of glow? That might seem the process. A student will learn. Yeah. But the learning of the student will be not effective. Well, my question is that is it possible or not? Learn, but the knowledge of about the earth in the absence of globe will not be 100%. It may be confusion. Globe made 100%. Yes, yes, according to my opinion. Absolutely understand. Yes. So now next hour is our chart and poster. What are you saying, sir? You are not satisfied? You are answered by sir, satisfactory of your level. Doesn't matter. Surendra, sir, you ask something. Continue. Will be much more effective for junior classes and kids classes. मान लीजिए कि
क्लास में अगर कोई टीचर जाते हैं और मौखिक रूप से ओरली दे टीच द स्टूडेंट के फॉर काइट, है ना, बच्चे को क्लास में अगर गए और बोले कि के फॉर काइट, के मतलब काइट मीन्स पतंग होता है, बट इफ द टीचर गो इनसाइड द क्लास विथ काइट एंड डिमोन्स्ट्रेट अमंग द चिल्ड्रेन, डियर चिल्ड्रेन के फॉर काइट, इन दिस केस द 100% द नॉलेज अबाउट द के फॉर काइट, इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है डायरेक्ट पतंग को देख रहा है और वो समझेगा कि पतंग जो है उसके दिमाग में होगा कि उसका इस शेप होता है, इस तरह से ये बना हुआ होता है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए वन लिखा हुआ है तो वन के लिए हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं वन फॉर ओ सॉरी, जैसे कहा जाए टू काउंटिंग नंबर है, टू है तो टू से अगर हम बच्चे को दिखाएंगे टू फॉर सू, सू दो होता है ना, इसी तरह से अगर हम लोग कहें कि फाइव, फाइव और फिंगर, फाइव फिंगर, इसमें क्या होगा कि छोटे बच्चे जो देखेंगे उनके मेमोरी में या 100% जो है वो उसका सिचुएशन आएगा, बच्चे को याद रहेगा, ये भी याद हो जाएगा कि फाइव मीन्स फाइव फिंगर भी होता है ना। इस तरह से टीचर जो है अपने क्लास को ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावकारी बना सकते हैं। और जहाँ तक ये चार्ट और पोस्टर की बात है, ये क्लासरूम में भी वॉल के ऊपर इसको स्टिक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड मिडिल में है और दोनों तरफ जो स्पेस होता है, खाली स्पेस जो होता है, उसमें जो है चार्ट के रूप में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह का जो है उसको स्टिक कर दिया जाए। साथ ही साथ छोटे बच्चों को हम लोग फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से अगर उन लोगों का जो है फोटोग्राफ ब्लैक बोर्ड के किसी भी साइड में, ताकि देखने में क्लास रूम शुड बी ऑल्सो अट्रैक्टिव, क्लासरूम देखने में भी आकर्षक थोड़ा लगे, उस तरह से, वैसे नहीं कि जहाँ के मन में आए वहाँ स्टिक कर दिए। बीच में अगर ब्लैक बोर्ड है तो उसके बाएं तरफ जो स्पेस होता है और दाहिने तरफ जो स्पेस होता है उसमें हम लोग चाहें तो अपने फ्रीडम फाइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, है ना, लौह पुरुष भगत सिंह, है ना, इन लोगों का जो है फोटोग्राफ हम लोग स्टिक करेंगे। तो उससे होगा क्या कि जब बच्चे मॉर्निंग टाइम में स्कूल आएंगे तो पहले उनको उनकी नज़र बोर्ड पर जाएगी तो देखेंगे कि अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है हमारे राष्ट्रपति हैं, है ना। और इस तरह से मान लीजिए एक तरफ ये काउंटिंग नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 या ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से एसोसिएटेड वर्ड, तो वो प्रतिदिन जब आएंगे अपने क्लासरूम में तो उनकी उस पर नज़र जाएगी और उससे जो है वो कुछ लर्न करेंगे, उनकी लर्निंग एबिलिटी में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, है ना। अगला हमारा है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो में जो है हमारा है कंप्यूटर है, टेलीविजन है, वीडियो कैसेट प्लेयर है, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है, प्लेयर है, प्रोजेक्टर है ना। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि वीडियो ऑडियो उसमें जो है हम लोग पिक्चर भी दिखता है ना, और उसमें आवाज भी आती है। साथ ही साथ टेलीविजन में भी जो है वॉइस भी आता है और पिक्चर भी आता है। वीडियो कैसेट प्लेयर में भी वही सिस्टम है, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है वी आर एसोसिएटेड विद, तो हियर ऑल आर वी एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टर, है ना, हम लोग जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर से जुड़े हुए हैं, वॉइस और पिक्चर दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ऑडियो वीडियो में जो है
ये दीज आर द डिवाइस है विच आर यूज फॉर मेकिंग आवर टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड सेटिस्फैक्ट्री। ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल के अलावा लैब एंड लाइब्रेरी इज ऑल्सो द बेस्ट वी कैन से दैट सोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आई एम सेइंग दैट आवर लैबोरेटरी एंड लाइब्रेरी इज द बेस्ट सोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। Suppose that here the number of science teacher are sitting here. Suppose that science teacher belongs to physics. In physics, as you know that voltmeter, ammeter is used. Teacher always teach the student in the classroom. The device which are used for measuring electric current, that is called ammeter. Teacher taught the student the device used for measuring the difference of two potential is that is called potential difference. So if the physics teacher carry the voltmeter and also ammeter, with an ammeter and voltmeter go to the classroom, then your teaching will be much more effective. बच्चे सोचेंगे कि अरे चलो आज सर वोल्ट भी लगता है कुछ लेकर आए हैं, अब क्या लेकर आए हैं, उनमें क्यूरियोसिटी रहेगी, सर बताएंगे कि देखिए ये वोल्टमीटर है, इससे हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ये एमीटर है, इससे हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं, है ना। अनदर जैसे बायोलॉजी के टीचर हैं, मान लीजिए सपोज दैट देयर आर टू टीचर व्हिच आर बिलोंग्स टू द बायोलॉजी डिपार्टमेंट, वन गो टू द इन द क्लासरूम एंड taught about the different parts of plant. Only he has written the parts of plant, this is root, this is leaf, and this is something and something. But another teacher who go into the classroom with real plant, एक teacher थे जो वास्तव में पौधा लेकर गए classroom, और बच्चे को बता रहा है कि देखिए भाई ये root है, ये stem है, ये leaf है ना, इस प्रकार से। तो बच्चा कहां सीखेगा, वहां पर सीखेगा जहां पर जिस बायोलॉजी टीचर ने रियल रूप में प्लांट को लेकर क्लास में लेकर गया, वहां पर क्लास में हल्लो नहीं है, हल्ला भी नहीं है, बच्चे शांतिपूर्वक सुनेंगे, लगता है मैम क्या बताएंगे प्लांट के बारे में, आज सीखना है जानना है। इसी तरह से मान लीजिए कि सपोज दैट द बायोलॉजी टीचर इज गोइंग इन देयर क्लासरूम फॉर टीचिंग द एनी फ्लावर, and if teacher go in the classroom with that flower, in this case his and her teaching will be much more effective, because the student is saying directly to the flower and understand about the every part of the flower. Now one thing I am once again explaining about the audio video, one is audio video and audio visual aid, इसमें audio और video दोनों involve होता है, the aids which involve the sense of vision as well as hearing is called audio video vision, or sorry audio video aids, इसके example TV है, TV जो audio visual aid, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट प्रोजेक्टर एंड थर्ड वन इज आवर स्मार्ट क्लास। तो सबसे ज्यादा जो आज इस्तेमाल होने वाला है ऑडियो वीडियो में
वो आजकल सारे सीबीएसई मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स आर एसोसिएटेड विद स्मार्ट क्लासेस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का। स्मार्ट क्लास आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक रूप है जिसके माध्यम से हम सभी टीचर अपने चैप्टर को ऑडियो विजुअल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एज टीचर इन सीनियर सेक्शन में हम देखेंगे कि स्मार्ट क्लास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टूल्स है जिसमें यूज करना बच्चों के अंदर अपने लेशन को और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम सभी टीचर्स को स्मार्ट क्लास का टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए। लगभग हर एक चैप्टर को जब आप क्लासरूम में फिनिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो चैप्टर खत्म करने के बाद अगर चैप्टर में कुछ टॉपिक को समझने में दिक्कत उत्पन्न हो रही है, वैसी स्थिति में हम स्मार्ट क्लास में लेकर बच्चों को जाएंगे। लेकिन हर एक चैप्टर से रिलेटेड उनको स्मार्ट क्लास देना नेसेसरी है, अनिवार्य है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोला जाए। अभी कोविड पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में यस, कुछ दिन पहले जो कोविड में लॉकडाउन हुआ था जी, और घर से बाहर निकलना मना था, उस स्थिति में टीचर्स के द्वारा कुछ मोबाइल ऐप का यूज किया गया यस, और उस मोबाइल ऐप के थ्रू टीचर अपनी टीचिंग वर्क को परफॉर्म किया, यानी बच्चों को पढ़ाया। अगर हम कहें कि वो टीचिंग ऐप जैसे गूगल मीट हुआ, जूम हुआ, जिसका यूज हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने भी अपने छात्रों को पढ़ाया था, तो अगर हम, या अभी एक स्मार्ट पैनल चल रहा है, स्मार्ट पैनल जो है वो आपका जो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड है ठीक उसी के जैसा है, और वो समझिए कि एक बड़ा स्क्रीन है, उसमें आपको क्या पढ़ाना है 3D एनिमेटेड है। आप जैसे ग्लोब की रिवॉल्विंग की बात हो रहे थे, उसको आसानी से वहाँ दिखा सकते हैं, और 3D जब वहाँ पे रहेगा, फिगर रहेगा, तो आप आसानी से उसके हर तरफ को दिखा सकते हैं। जो एनिमेशन है उसमें आपको ग्लोब को रिवॉल्व करते हुए दिखाया जा सकता है। तो हम जो गूगल मीट का यूज किए, जूम का यूज किए, और उसके थ्रू अपने सिलेबस को बच्चों को पढ़ाए, तो क्या उसे हम ऑडियो विजुअल में ऐड कर सकते हैं? क्या वो ऑडियो विजुअल का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है? यस, इन द कोरोना पीरियड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट्सएप के थ्रू ही जुड़े हुए थे, तो दैट व्हाट्सएप इज विल एसोसिएटेड विथ ऑडियो विजुअल। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, दिस टाइप ऑफ एप्स लाइक व्हाट्सएप टीचिंग इज नॉट फॉर ऑलवेज टाइम। इट वॉज यूज इन द इम्पेंडेमिक नेचुरल कैलामिटी। According to my opinion, the 100% return, 100% learning cannot be done by our this type of app. Which is conducted at the home by the teacher. Yes, next. So, हम जो सर समझे हैं ये types of teaching learning materials हैं, उसमें जो पहला part है audio का जी, तो मुझे हम अपने सभी मित्रों से भी शेयर करना चाहेंगे कि एक बड़ा उसमें जो एक पार्ट है
ग्रामोफोन और टेलीफोन। तो ये बेसिकली एक पार्ट है कि हम साउंड कैसे क्रिएट करके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, खास करके जूनियर क्लासेस। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है फिल्म नटवर लाल का एक गीत है, मेरे पास आओ मेरे दोस्त, अमिताभ बच्चन ने उसका एक्ट किया। एक मिनट में आपको मैं वो गीत सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। इस गीत को हम लोग सुने कि कैसे उसने शेर और पूरे जंगल के वातावरण को उन्होंने क्रिएट किया है। और ये शेर की कहानी सुनोगे? क्या मुन्ना? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, कहीं जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। अलग अलग जानवरों के घड़ी की आवाज ऑडियो मीडियम जो है पढ़ाने का बच्चों को, उसका ये बेहतरीन उदाहरण है जिसका इस्तेमाल हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। जो शुरुआत से रेडियो का उपयोग, जबकि बाकी अन्य उपकरणों का जो आधुनिक उपकरण है उनका प्रयोग नहीं हुआ था, उनका आविष्कार नहीं हुए थे, तो रेडियो के माध्यम से शुरुआत में जो समाचार हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं, समाचार सुनने से बच्चों को आधुनिक दुनिया की जानकारी जितनी भी हो लेकिन बोलना, शब्दों का उच्चारण, शब्दों का ज्ञान उन्हें जरूर हो जाता है। तो उस तरह से वह अभी एक टीचिंग मटेरियल के रूप में रेडियो हमारे सामने आता है। बिल्कुल उसी तरह से ग्रामोफोन और नीचे जो है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर अपनी आवाज़ को, अपनी आवाज़ की शुद्धता को और स्पष्टता को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और उस आवाज़ को सुनिए, आपकी अपनी आवाज़ आपको कैसी लग रही है। यदि उस आवाज़ में स्पष्टता नहीं है, उच्चारण की शुद्धता नहीं है, तो आप उसमें सुधार धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा ओरेटर होने के लिए आईना के सामने बोलना सीखो। आईना के सामने इसलिए कहते हैं ताकि कॉन्फिडेंट आए। आवाज़ रिकॉर्डिंग इसलिए कहते हैं ताकि उसे अपने आवाज़ की क्वालिटी पता चले कि उसकी आवाज़ की क्वालिटी क्या है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आवाज़ तो बोलते तो है लेकिन स्पष्टता नहीं होती, सुनाई नहीं देती है, और इसलिए उनके बोलने का तरीका प्रभावशाली नहीं होता। तो शिक्षण कला में बोलना और लिखना दोनों शामिल है। तो ऑडियो माध्यम से हम बच्चों को बोलना भी सिखाते हैं ज्ञान शेयर करने के अलावा। इधर तो आएगा हम यदि एवी में, तो दो बड़े आधुनिक पार्ट की चर्चा है, वीडियो कॉम्पैक्ट प्लेयर। आजकल हमारे पास जितनी किताबें आती हैं पब्लिशर्स के द्वारा स्कूलों में उपयोग होने के लिए, सब में एक डिस्क लगा होता है और हर किताब के साथ ये बताया जाता है कि इस डिस्क का उपयोग कीजिए, इससे पढ़ाइए, ये बेस्ट हेल्पिंग स्टडी मटेरियल।
उसको यदि आप चलाएंगे देखेंगे तो सारे चैप्टर्स भी हैं, क्वेश्चनायर्स भी हैं, उससे भी आगे बढ़ के आजकल एक स्मार्ट पिन आया है, वीयर क्लासेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे ही बुक पे आता है लाइन और जैसे ही आप उस कलम को वहाँ ले जाते हैं वैसे ही लाइन उसके सामने आवाज़ गूंजने लगती है। लाइन लाइन गर्जा, जैसे ही हिंदी में आप पढ़ते हैं उस कलम को गर्जा शब्द पर ले जाते हैं तो उस कलम से गर्जने की आवाज़ आती है। बागीचे में कोयल कूक रही थी, जैसे ही कूकना शब्द पर ले जाते हैं वह कूकने लगती है। बिल्कुल यही स्थिति अंग्रेजी की किताब में होती है। रोस वर्ड बच्चा नहीं जानता, उसको याद करने में बहुत मुश्किल है, जैसे ही रोर वर्ड पर आप उस कलम को ले जाते हैं वहाँ से रोरिंग की आवाज़ निकलने लगती है और बच्चा तुरंत पहचान जाता है कि डॉग बात करता है, लाइन रोर करता है, क्या किसकी ध्वनि क्या है। वह पढ़ाने के लिए ऑडियो वीडियो का सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सर ने जो हम लोगों को बताया, जो हम लोगों ने अभी सीखा है इनके माध्यम से, यही है कि ये सारे मटेरियल्स जो हैं बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, का उपयोग हमें करना है और हमारी पढ़ाई में ये सारे संसाधन कैसे उपयोगी साबित होते हैं ये सब सर ने हमें बताया है। इसके लिए हम इन्हें साधुवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि अपने सेशन को जारी रखें। यस, तो मे आई डेमोंस्ट्रेट अनदर वीडियो थ्रू मोबाइल, 5 मिनट वीडियो ऑफ द टीचर। उसको लगा दिखा राजा का रिकॉर्ड तो है, 5 मिनट का है। चलिए, तो डियर टीचर, वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता क्यों है? For learning of new idea, why do we need teaching learning material? For learning of new idea, teaching learning material के द्वारा हम लोगों को नए नए विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। The next is for compelling self learning, इसमें खुद से भी learning ability डेवलप करने की क्षमता उत्पन्न होती है। लर्निंग कैन बी बेटर थ्रू डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम लोग वी कैन इन्हांस द पावर ऑफ लर्निंग बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हमें एक ही क्लासरूम में हमेशा एक ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर नहीं जाना है। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर मेरे पास है तो सपोज दैट द टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज मेड फॉर क्लास 9 फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एंड हियर द इन आवर स्कूल देयर आर 5 सेक्शन इज अवेलेबल फॉर क्लास 9 क्लास। सो दैट टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज इन वन क्लास इन वन टाइम्स। इट मीन्स दैट टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज इन ऑल द 5 डिफरेंट क्लासेस इन वन टाइम्स। हेल्प टू रिटेन कॉन्सेप्ट परमानेंटली। अभी हमने कहा कि भाई
whenever the biology teacher go inside the room and he was and his and her topic was the plants, and the teacher entered the classroom with the real plant and demonstrate among the student, this part is root, this part is a stem, this part is leaf. This here the teacher, here the student is getting direct information. So if the student getting information directly, that direct information is more stable in their brain. It will remain long period for the time. So help to retain concept permanently. यह जो है किसी भी टॉपिक को किसी भी चैप्टर के बारे में कंप्लीट रूप से उसके नॉलेज को रखने में फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसमें वो मदद करता है. अनदर एग्जांपल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड्स कंप्लीट एग्जांपल फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग. सपोज दैट द टीचर इज गोइंग इनसाइड द क्लासरूम एंड ही वाज टीचिंग टू द chapter is, suppose that it is related from the commerce or banking. So in that case, if the teacher demonstrate, or we can say that put the information about the banking, whenever we go inside the bank, suppose that we want to withdraw our money, we fill up the pay slip for, and after submitting the pay slip form at the counter, we get our money. And another, if we want to deposit our money, we fill up the form, deposit slip, and then we submit it. And also about the transaction of banking, what are the type of interest, what are the variety of account, number of SB account, current account, what are their facility. In this case, the student will get the complete knowledge about the banking. Now we are going on the pictures on the next topic, our importance of teaching learning material. First is that teaching learning material motivate the students so that they can learn better. Teaching learning material जो है student को, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति, learning के प्रति motivate करता है. With the help of teaching learning material, teacher clarify the subject matter more easily. अगर topic complex है, टॉपिक जटिल से जटिल है, तो बाय द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर कैन मेक द आवर टॉपिक कॉम्प्लेक्स टॉपिक द टीचर कैन कन्वर्ट दियर कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू सिंपल टॉपिक. हाँ बोलिए. Yes, ma'am. Once again. Sir, can the nature? Huh? Nature is the natural source, environment. Yes. Make the teaching learning material how? We can use the natural resources. Yes, yes. As teaching materials. Yes, so here I have said that the biology teacher can use the plant, will come with a so plant. Sir, अच्छा. और वहाँ पे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को गार्डन एरिया या स्पोर्ट्स एरिया वो कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं उसको, बच्चों को बताएंगे अलग अलग डिफरेंट फ्लावर के बारे में, ये भाई रोज प्लांट है, ये क्या नाम है गेंदा का फूल है, ये जो है चमेली का फूल है ना. तो कम से कम बच्चे वो सब देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे और उनको याद भी रहेगा. हाँ हाँ, देखेंगे तो वो उनके नॉलेज में सिचुएशन आ जाए, है ना. और लिटरेचर के टीचर होंगे सर तो क्या करेंगे.
लिटरेचर के टीचर और बीच पर टीचर बगीचे में बच्चे को लेके गए तो वो क्या करेंगे, उनको तो पता ही नहीं कि क्या है, फूलों की सुंदरता के बारे में बताएंगे, कविता लिखने के बारे में बताएंगे, पत्तों की खूबसूरती के बारे में बताएंगे, फूलों के गंध स्मेल के बारे में बताएंगे, चमेली कैसा गंध होता है, गुलाब का ऐसा गंध होता है, गेंदे का फूल का ऐसा गंध होता है, जड़ों की उपयोगिता बताएंगे कि जड़ मजबूत तो पेड़ मजबूत नहीं सर जी। ऐसा है कि जब बच्चे बाग में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उनके साथ शिक्षक किस विषय का किस सब्जेक्ट जब विषय के अनुसार वो अपनी डायमेंशन से उस बाग को देखता है। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि एक सूखे पेड़ को साइंस के टीचर अपने बच्चे को दिखाते हैं तो कहते हैं कि ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर ये पेड़ सूखा क्यों, और वो विभिन्न शोध के बारे में बताते हैं कि इस पर इस तरीके से शोध होनी चाहिए कि ये पेड़ आखिर सूखा तो सूखा क्यों। लेकिन वहीं जब आर्ट्स के टीचर जाते हैं और उस पेड़ को दिखाते हैं बच्चों को तो बताते हैं कि ये पेड़ सूख तो गया है लेकिन इससे हम घरेलू जलावन का उपयोग करके, ईंधन का उपयोग करके हम अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं। लेकिन वही पेड़ जब कॉमर्स का टीचर देखता है तो कहता है कि ये पेड़ लगभग 1 साल का है, अगर ये पेड़ 1 साल और रुकता तो ये 10,000 का होता, सूख जाने के कारण ये 2 से 2,500 में बिकेगा और लगभग 7 से 7,500 का नुकसान। तो कहने का अर्थ है कि यह डायमेंशन क्या है, देखने वाले की नजरिया क्या है और नजरिए के हिसाब से उस विषय वस्तु का व्याख्यान होता है, और छात्र जो है अलग अलग व्याख्यान से उसी विषय वस्तु का अध्ययन करके आनंदित होते हैं। सर मेरे दिमाग में कुछ खुला है, एक तालाब के किनारे तीन लोग गए, उसमें एक फिजिक्स वाले थे, एक मैथ वाले थे और एक केमिस्ट्री वाले, तब तक एक चौथा आदमी आया और आकर के तालाब में छलांग लगाने के बाद वो ऊपर नहीं आया। मैथ्स वाले ने कहा कि तालाब की गहराई बहुत अधिक है, फिजिक्स वाले ने कहा कि नहीं पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, और केमिस्ट्री वाले ने कहा कि नहीं मनुष्य पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग पढ़े टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, तो जो अभी बात आई कि बच्चों को पेड़ पौधों में बगीचे में ले जाएंगे, बताएंगे उनको कि ये फूल है, ये आम का पेड़ है, ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का फूल है, नहीं तो इसको हम किस टाइप ऑफ लर्निंग मेटेरियल में रखेंगे, ऑडियो में, वीडियो में, या ऑडियो या वीडियो विजुअल में रखेंगे। तो अगर विजुअल में रखते हैं तो फिर साउंड तो हम निकाल के उसको बताते हैं, हाँ तो फिर वो तो ऑडियो हो गया। सर हम ऐड नहीं हैं, नहीं तो सर ने तो बताया है कि टीचर जो है बेस्ट टीचिंग है, जितने भी टीचिंग मटेरियल है या जितने भी टीचिंग एड मटेरियल है उसको एक्टिव करने का वर्क तो टीचर ही करता है, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स हैं वो ऑल सार इनएक्टिव मटेरियल्स, और जब टीचर उसमें ऐड होता है तो वो एक्टिव मटेरियल है, और ऐसे में टीचर ही सबसे बेस्ट टीचिंग मटेरियल है। ओके सर, कंक्लूड योर लेक्चर सर। यस, तो नाउ डियर टीचर्स वी आर कमिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। Teaching learning material should be attractive to children
whenever you enter the classroom, we go through with our teaching learning material. The teaching learning material should be attractive for the student. Another is teaching learning material should be appealing to kids' size, setting, development, and a few case of a small or the familiarity with teaching aid will assist with presenting new idea. टीचिंग मटेरियल टीचिंग एड के साथ जुड़ने के पश्चात उससे हम लोगों को नए आइडिया के बारे में जानकारी मिलती है. नेक्स्ट इज द नोवेलिटी ऑफ मटेरियल एडिशनली ड्रॉ द किड्स. इट मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम लोग लेकर जाते हैं क्लास में उसमें नोवेलिटी होनी चाहिए, उसमें नयापन होना चाहिए. Teaching aid is related to your lesson, topic or subject and provide knowledge and information. Teaching aids जो लेकर जा रहा है क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम लेकर जा रहे हैं वो हमारे लेसन और टॉपिक से एसोसिएटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होना चाहिए. टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट. टीचिंग एड्स जो है वो बच्चों को पढ़ने के प्रति मोटिवेट करता है ना, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कैटलिस्ट का काम करता है. द नेक्स्ट लास्ट इज आवर मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. गारंटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल फ्रॉम फ्री यूटिलाइजेशन बाय द स्टूडेंट्स. सो हियर opportunity for delivering our topic about teaching learning material. So I think that, I hope that this session was fruitful to all our dear teachers and colleagues. So thanks to all teachers and also our Bhagavad Vidyapeeth who has provided me to the
deliver our session. So thanks once again, thanks, and also bye bye teachers.